अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल सी कढ़ाई, कोई झंझट नहीं है। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुछ इस तरह से हैं। 1 kg हमने गोश्त लिया है, गाय का गोश्त लिया है, थोड़ी सी इसके अंदर हड्डी भी है और थोड़ी इसके अंदर रवाज भी है। इसके अंदर हमने छोटे छोटे दरमियाने साइज की बोटियाँ कर ली हैं। 8 से 10 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। 1 kg 1 kg हमने टमाटर लिए हैं लाल लाल। हसब ज़रूरत हमें सॉल्ट चाहिए 2-3 खाने के चम्मच हमें लहसुन अदरक, आधी चाय का चम्मच हमें हल्दी चाहिए और 2 खाने के चम्मच हमें काली मिर्ची, ठीक है। 2 गिलास हम पानी लेंगे जो हम गोश्त को अपने प्रॉपर पकाने के लिए 2 गिलास पानी लेंगे। अब इसके अंदर हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने अपना पूरा 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक ऐड कर दिया है और पानी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको अच्छी तरह से बबल आने तक बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना गाय का गोश्त जो है वो ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है ये कढ़ाई, आप लोग ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो घर में है वही चीज़ें हैं, हर घर में होती हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बीफ चर्सी कढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमने अपना गोश्त ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि 20 मिनट हम इसको दम लो फ्लेम पे इसको रख के हम पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पका लें आप, तो आप इसको इतना पकाएं कि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए, इतना गल जाए कि जैसे एक कसर रह जाए। तो हम इसको बाकी का हम इसको अपने और मसालों के साथ करेंगे। जब तक हम इसको बॉईल कर रहे हैं 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे इसको पकाने में। तो आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जो रवाज़ का गोश्त मैं आपको कह रही थी मैंने लिया है, वो इस तरह से रवाज़ की बोटियाँ डाली हैं। ये हमने इस तरह से रवाज़ का गोश्त ली, रवाज़ की बोटियाँ ली हैं जो मैंने आपको कहा था कि हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे कम अज़ कम 20 मिनट इसको हम पकाएंगे। देखें अच्छी तरह से ये गल रहा है गोश्त, जस्ट लहसुन अदरक और पानी के अंदर, ठीक है। हस्बैंड आ गए हैं हेल्प करने के लिए, वो कह रहे थे कि आइए ज़रा चमचा चलाने में भी आ जाऊँ। तो ये हस्बैंड मिक्स कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप देखें कि ये किस तरह से इसके अंदर गोश्त अच्छी तरह से गल रहा है। तो लहसुन अदरक का टेस्ट भी अच्छी तरह से निकल कर आएगा गोश्त के अंदर, और गाय का गोश्त में तो वैसे ही बहुत टेस्ट होता है, तो बहुत मज़े की बनेगी ये कढ़ाई। ये देखें अच्छी तरह से गोश्त गल रहा है। और अब इसके अंदर हम अपने 1 kg जो हमने टमाटर लिए थे और इस तरह से इसको काट के हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। उसको इन टमाटरों को डालने के बाद पानी कोई ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसी का टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। तो हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं गोश्त के साथ। ये देखिए मैंने इसको मैंने ढक दिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए टमाटर अच्छी तरह से जब तक गल थोड़े से भाप में सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर एक प्याला कहते हैं ये मैंने, और आधा ऑयल मैंने 1.5 कप मैंने इसके अंदर जो है ना ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल डालने के बाद ये और अच्छी तरह से पके टमाटर वगैरह। ये अब इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी डालते ही फौरन इतना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा कढ़ाई के अंदर, ना इसके अंदर पीसी मिर्चें हैं ना इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें हैं, जस्ट ये हल्दी ऐड होगी इसके अंदर और काली मिर्चें, इसका ही इतना मज़े टेस्ट आएगा। अच्छा ये हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन की कढ़ाई भी चिकन चर्सी कढ़ाई जो बनती है वो बहुत इजी बनती है
और क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो वो हम ऑयल में ही उसको फ्राई करते हैं, बट ये बीफ है तो इसलिए हम इसको पानी के अंदर पकाएंगे। आप चाहें तो कुकर में ही पका सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए, बट मैं वीडियो बनानी थी मुझे तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ही बनाया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा गोश्त गल गया था और बहुत मज़े का टेस्ट आया था। ये देखें, ये इस तरह से ये मसाला हमारा हो चुका है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी हमारा जो है जितना पकते पकते ही खुश्क होने लगेगा। ये हमारा पानी खुश्क हो चुका, अच्छा खासा मैंने इसको भुनाई करी है, पानी खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आया है, अभी भी कुछ और खुश्क करना है ऑयल को ताकि जो है और ड्राई हो जाए, कढ़ाई ड्राई अच्छी लगती है। अब देखें, ये इसके अंदर हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी अपनी, सात चार अदद हमने हरी मिर्च काट के ऐड कर दी थी, ये ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया है और बाकी हरी मिर्च हम इस पे साबुत डालेंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब एक यकजा हो जाए। इसको बस 5 मिनट कुछ सेकंड के लिए यार दम पर रखेंगे हम ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और बहुत ही लजीज शक्ल से आपको पता चल रहा होगा ये कितनी मज़ेदार सी चर्ची कढ़ाई हमें अब बीफ चर्ची कढ़ाई बनी है। और आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे साबुत, उसके बाद हम बिल्कुल हमारी कढ़ाई रेडी है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे, मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पर इसलिए रखा है ताकि ऑयल जितना भी है वो सब ऊपर आ जाएगा। मैंने बारीक सी काट के इसमें अदरक डाली है, अदरक ऐड करी है। ठीक है, ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कैसी बनी है। और आप लोग इस ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।